में विधायक श्रीकांत शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल को 2 एम्बुलेंस भेज की। मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा के द्वारा आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण में कमियां मिलने पर डॉक्टर व कर्मचारियों से बातचीत भी की गई। विधायक श्रीकांत शर्मा के द्वारा विधायक निधि से महिला अस्पताल व पुरुष अस्पताल को एक एक एम्बुलेंस भेंट की गई, जिसका फीता काटकर विधायक के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक का जोरदार स्वागत भी किया गया। डॉक्टरों व मरीजों से बात करते हुए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं की बात श्रीकांत शर्मा ने भी कही। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। आज ये 2 एम्बुलेंस हैं और ये दोनों एक हमारी यहाँ जो महिला अस्पताल है उसके लिए हमने दी है और एक एम्बुलेंस 100 शैया वृंदावन के लिए दी गई है। तो ये दोनों में जो हमारी गर्भवती बहनें हैं ये उनके लिए रिजर्व है। जैसे कि ईश्वर ना करे कहीं दुर्घटना घटना होती है और इमरजेंसी में कहीं इनका और भी जगह उपयोग डॉक्टरों के हिसाब से करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता उन बहनों के लिए है जो गर्भवती बहनें हैं, उनको घर से लाना और उनको घर पे ड्रॉप करना। तो एक हमारा ये प्रयास है, एक इनिशिएटिव है और हम चाहेंगे कि इसमें हमारी जो हमारी जिले की और खासतौर से हमारी विधानसभा की जो बहनें हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको आसानी से आवागमन ठीक रहे और उनका जो जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार मान रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता बहुत समय से थी और जब मैं लगातार यहाँ दौरे कर रहा था तो उस समय मेरे ध्यान में आया, मैं अपने महिला अस्पताल भी गया था और वृंदावन भी गया था, तो इनकी आवश्यकताएं बहुत सारी आवश्यकताएं हैं यहाँ जिला अस्पताल के लिए। सुविधाओं जो पेशेंट आते हैं उनको मरीजों को और अधिक हम सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी जो कमियां हैं उन सबको हम लोग मिलकर सब प्रयास कर रहे हैं कि उन कमियों को धीरे धीरे दूर करें और जो यहाँ पर जो मरीज आएँ वो यहाँ से स्वस्थ होकर जाएँ और केवल ये रेफर सेंटर ना बने, उनको प्रॉपर यहाँ ट्रीटमेंट मिले और यहाँ से वो स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, ऐसा हम सबका प्रयास है। पिछले कार्यकाल में विधायक निधि का अधिकांश निधि शिक्षा पर और अब स्वास्थ्य पर। मेरी पहली 2 साल की जो निधि थी वो पूरी प्राइमरी शिक्षा पर हम लोगों ने उपयोग की थी। मेरे यहाँ 176 प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सब में हमने प्रयास किया था, लगभग 125 में हम लोगों ने कुर्सी और मेज और आरओ की व्यवस्था की थी। उसके बाद हमने 1 साल का कोविड को दे दिया था पूरा और उसके बाद फिर खेल पर लगाया और अब पहला जो है अब भी हम लोग स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं और स्वास्थ्य पर मेरा विशेष ध्यान है। स्वास्थ्य पर सर आपका विशेष ध्यान है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताएं और बहुत सारी अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। मैं सहमत हूं, वृंदावन में CMS और डॉक्टर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर मारपीट होती है। सर यहाँ अभी बहुत से पेशेंट शायद संभवतः आपके सामने भी आए, आपकी गैरहाजिरी में हम लोग जब आते हैं वो आते हैं, यहाँ एक तो पब्लिक को सही व्यवहार नहीं मिल रहा है। सीधा आपको आगे प्रयास है, आगे आप सब लोगों का मैं सहयोग लूंगा, सबका सहयोग लूंगा और लगातार हम पाक्षिक यहाँ बैठक करेंगे, हर 15 दिन में डॉक्टरों के साथ बैठेंगे, आपका भी सहयोग लेंगे। हमारी कोशिश ये है कि मथुरा के हमारे जितने भी नागरिक हैं, बहन और भाई हैं जो यहाँ बीमारी के कारण आते हैं, उनको अधिक से अधिक हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएं और व्यवहार कुशलता। सर हम आपके माध्यम से पुष्टि करना चाहते हैं कि 9 डॉक्टर्स के ट्रांसफर हो गए लेकिन उनके स्थान अभी कोई सीधे आके चार्ज नहीं है। ये मुझे जानकारी भी मिली है कि डॉक्टर